आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं फाइनेंशियल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। और फाइनेंशियल फॉर्मूले में हम बात करेंगे हाउ कैन क्रिएट द ईएमआईज एंड ऑल थिंग। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फॉर्मूले में ईएमआई कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम ड्यूरेशन है। तो 50,000 की मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, आपने लिया 16% की ईएमआई पे 3 सालों के लिए, तो इसकी ईएमआई कितनी होगी? तो इसके लिए हमारे पास है पीएमटी का फॉर्मूला, पीएमटी रेट। तो जो रेट 16% है, दिस इज द ईयरली, इसको डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, आ जाता है मंथली। एनपीईआर मतलब कि नंबर ऑफ पेमेंट जो होता है पर ईयर, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 12 से, ड्यूरेशन। देन आता है प्रिंसिपल, कि आपकी प्रिंसिपल कितनी है, प्रिंसिपल को आपने सिलेक्ट किया, ये आ गया प्रिंसिपल। देन एंटर प्रेस कीजिए, तो आपका 1757 रुपए का ईएमआई बनता है। जी हाँ, है सर। बट हाउ कैन प्रूफ इट, आपको प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको कि सही है? तो यहां पे हम 50,000 को लिखते हैं और इसका हम मल्टीप्लाई, सॉरी रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा क्या है, 16% ईयरली है, डिवाइड बाय 12 मंथली आ जाता है। और फिर इसको मंथली हम इसको मल्टीप्लाई करके मंथली ब्याज निकाल लेते हैं। तो महीने के लास्ट में हमारा क्या होता है, ये आता है। फिर 1700 कितना है ईएमआई हमारा, 1757। तो 1757.83 हमने डाला, तो अगले महीने जो होगा वो क्या होगा, ये आपका 50,696 माइनस 1757, और इसी कंटिन्यूअस को चलता जाएगा। 3 साल का है मतलब 36 महीने, तो 36 महीने तक इसको हम ड्रैग करते हैं। 36वां महीना आप देखिए आपका लोन पूरी तरह आ गया। एक दो रुपए का फर्क पड़ता है क्योंकि पॉइंट है ना, डेसिमल्स है, तो इसलिए 1-2 रुपए का फर्क पड़ता है। ओके, तो ये हमारी ईएमआई कैलकुलेशन है। तो ईएमआई हमने पीएमटी फॉर्मूले से निकाला हुआ है। अब मान लीजिए कि मुझे ईएमआई निकालना नहीं, मुझे रेकरिंग अकाउंट का निकालना है, मतलब कि मुझे फ्यूचर में मैं चाहता हूं कि 5000 मिले, 50,000 फ्यूचर में मिले, और मुझे रेट इंटरेस्ट सेम जो है 16% या 7%, मान लीजिए 7% है, और जो टाइम है वो टाइम मान लीजिए मेरा 3 साल का है, तो मैं कितनी ईएमआई जमा करूं रेकरिंग में, बैंक में डिपॉजिट करूं? तो इसके लिए भी हमारा पीएमटी का फॉर्मूला ही लगता है, जिसमें रेट को हम डिवाइड करते हैं 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 12 से, एंड यहाँ पे पीवी हमारा आ जाता है। पीवी नहीं आ रहा है, पीवी तो ब्लैंक होगा, एफडी है ना हमारा, ये फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू हमारा ये 1252 दिखता है। तो आप अगर 1252 रुपया मंथली जमा करते हैं तो 7% पे 3 साल में आपका 50,000 रुपया हो जाएगा। उसी में अगर मान लीजिए कि अगर मुझे, मैं मेरे पास ईएमआई है, मैं बोलता हूं मैं 2000 का महीना जमा करना चाहता हूं, तो इन फ्यूचर में कितना मुझे मिलेगा? और रेट मान लीजिए मेरे पास रेट अगर 10% है और टाइम मान लीजिए 3 साल है, तो हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए हमारे पास रहेगा एफडी का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू, जिसमें रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 12 से, और पीएमटी हमारा यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। ये आपका फ्यूचर वैल्यू आ गया।
लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे 2000 रुपये नहीं, मैं एक ही बार पूरा अमाउंट जमा करना चाहता हूँ, मतलब कि मेरे पास प्रिंसिपल है मान लीजिए 50,000 का, तो कितना मिलेगा फ्यूचर में? तो अमाउंट क्रिएट करना है आपको यहाँ पे अमाउंट। तो इसमें आपको एक कॉल एट द फ्यूचर वैल्यू, हम यहाँ पे लेते हैं रेट इंटरेस्ट को 12% से डिवाइड करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, और ये आपका 50,000 आ गया। तो आपको 10% पे 3 साल में 2,00,000 रुपए मिलेंगे, सही है ना? हाँ सर, 10% है भी तो है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक? कोई डाउट इसमें सर? हेलो, अब मान लीजिए कि मेरे पास रेट मुझे पता करना है, मान लीजिए रेट नहीं है हमारे पास, सेम चीज है बट रेट नहीं है, यहां पे मैं आता हूं, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट के लिए फॉर्मूला यहाँ रेट का लगता है, रेट रेट में टाइम को डिवाइड कर दिया 12 से, पीएमटी नहीं है, पीवी हमारे पास 50,000 है, और पीवी नहीं, माफ कीजिएगा, पीएमटी नहीं, पीवी एफबी है ना हमारा, एफबी हमारा ए है, पीवी भी देना पड़ेगा, रिक्वायर है, पीवी आ गया, फ्यूचर वैल्यू हमारा ए है, तो ये बता देगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है रेट, बट इसको डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई बाय 12 करें। एक मिनट, रेट गलत हो गया, ए गलत हुआ, ओके, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 12 होना चाहिए था, माफ कीजिएगा, क्योंकि महीने में कन्वर्ट करना है ना हमके, अब 11% आया, बड़े मंथली आया हुआ है, इसको डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, नहीं मल्टीप्लाई बाय 12 होगा, माफ कीजिए, ग्यारह परसेंट कैसे आ गया? थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो इस तरह से चीजें आप निकाल सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे इसी के अलावा अगर फाइनेंशियल फॉर्मूले में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले, पर प्रॉब्लम है कि क्या आपको बैकग्राउंड फाइनेंस का पता है? तो सुनील जी, सुरेंद्र जी एंड प्रवीण जी, अब आप जो है इसको आप जाइएगा यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शन को सेलेक्ट कीजिएगा, एक एक फंक्शन का यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा है, डेफिनेशन क्या करता है आपको लगता है, उसके बाद कुछ फॉर्मूले लगता है कि आप एक काम कीजिए, मान लीजिए मैं डीडीबी करते हैं, डिप्रिएशन निकालता है, कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा है तो उसका 5 साल बाद 6 साल बाद क्या वैल्यूएशन रहेगा, वैल्यूएशन निकालता है। तो डिप्रिएशन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड, जैसे ये आपका डबल डिक्लाइन मेथड क्या आता है, ऐसे अगर आप डीबी की बात करें तो ये आपका बैलेंसिंग होता है, फिक्स डिक्लाइन बैलेंसिंग मेथड है। तो आपको डिप्रिएशन निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, सेटलमेंट करना, इक्विटी निकालना, तो आपको फाइनेंस की बैकग्राउंड होनी चाहिए तभी आप उसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे एक ही देखिए अब यहाँ पे कि 2400 रुपए का कॉस्ट का था, 300 रुपए उसका सैलवेज वैल्यू होगा और 10 साल का पीरियड, तो क्या डिप्रिसिएशन क्या निकलेगा?
तो अगर आप बात करें फर्स्ट फर्स्ट ईयर की बात करें, एक साल अगर मान लिया फर्स्ट ईयर हुआ है, डिफ्लेशन जो होगी वो $1.32 होगा। अगर हम दूसरे साल की बात करें, माने कि फर्स्ट फर्स्ट मंथ ऑफ डिप्रिसिएशन आप बात करें तो 40 होगी, फर्स्ट ईयर होगा 480 डिप्रिसिएशन होगा, एंड फाइव ईयर में 360 डिप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ बोलेंगे फर्स्ट डे कैसे आया, क्योंकि इसने मंथ ईयर को मल्टीप्लाई किया हुआ है 365 में, और मंथली निकालना है तो इसने 12 में किया हुआ है, ईयरली करना है तो ईयर करना है। तो इस तरह की डिप्रिसिएशन निकाल सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको इसके डिप्रिसिएशन के बारे में पता होना चाहिए ना सर। तो एक बार आप सारे फॉर्मूले को स्टडी कर लें, फॉर्मूले को स्टडी कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आगे की चीजों पढ़ने में। लेकिन अब जो अगली फॉर्मूले की जो अगली कैटेगरी आएगी, उस कैटेगरी में हम बात करेंगे एडवांस फॉर्मूले या फॉर्मूले ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आपको भी मैं एक फॉर्मूले का एक वीडियो भेज रहा हूं, समझे, देखिए सिंपल फॉर्मूले कि फॉर्मूले को सिंपलाइज कैसे किया जाता है। तो आप सभी पहले आज इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें, कल हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब से जो है आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा, क्या बोले उसका।